यूपी में आए दिन रेप की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। अभी हाथरस का मामला पूरी तरह सुलझा भी नहीं कि एक के बाद एक मामले सामने आने लगे। कभी बलरामपुर तो कभी बांदा, कभी गाजियाबाद तो कभी आगरा, और भी ऐसे जिले हैं जहां से महिलाओं बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। ताजा मामला यूपी के बाराबंकी से आया है, जहां खेतों में धान काटने के लिए गई 17 साल की दलित लड़की की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि नाबालिग का शव अर्धनग्न हालत में धान के खेत में पड़ा मिला, उसके हाथ भी बंधे हुए थे। हालात हत्या और गैंगरेप की ओर इशारा कर रहे थे। मामला थाना सत्र के पिपरी मजरे सेठमऊ का है। खड़े हुए हैं सेठमऊ के उस गांव में, जहां भी कल रात एक दलित बच्ची का बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि ये बलात्कार की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद होगी। और ये हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये वही जगह है जहाँ पर उस बच्ची की लाश मिली थी, और उसका दोनों हाथ बंधे हुए थे और शत विशत अवस्था में मिली थी। इस वक्त हमारे साथ मृतक लड़की के परिजन खड़े हुए हैं, उनसे बात कराते हैं आपको। क्या घटना हुई थी, कैसे हुई थी? सर, 7 बजे के बाद में उसके पिता काम करके आए 6 बजे, तो उसके बाद में यहाँ आए, वो लड़की धान काटने आई थी, तो वहाँ से आए, बोली अंधेर हो गया अभी हमारी लड़की आई नहीं, तो वहाँ से आए तो यहाँ पर देखे लड़की मरी हुई पड़ी थी। घटना की सूचना क्षेत्र में फैली तो कई गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। देर रात तक प्रशासनिक अमला और पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि अधिकारी इस पर अभी कुछ स्पष्ट बोलने को तैयार नहीं हो रहे, लेकिन परिवार का हाल बेहाल है। बेहद गरीब इस परिवार का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। साहब जो ने हाथ गोड़ बांध के हाथ यहाँ तक जो ने कपड़ा उतरे थे, जब देखने गए 4 बजे काटे गए, हम 7 बजे साहब ढूंढे गए, वहाँ जब देखें तो वहाँ से आज दौड़ते चिल्लाने, यहाँ से जो है जनता गई, प्रधान बुलवाए तो फ़ोन किए थाने, पुलिस आई, पुलिस हमारी मदद की रात भरे। क्या लग रहा आपको, दुष्कर्म हुआ है? अरे हाँ, जो साहब कपड़ा उतरे हैं तो कहा बतावा जाए, कहा उनके साथ है, हम तो रहे नहीं। किसी पे शक है आप? किसी को। वहीं प्रभारी पुलिस अधीक्षक आरएस गौतम का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सारी बातें स्पष्ट होंगी, इसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक कर रहे हैं। ग्राम इपरी के धान के खेत में एक युवती की संदिग्ध अवस्था में डेड बॉडी मिली है, डेड बॉडी का पंचनामा भर करके विधिक कार्रवाई की जाएगी, इसमें समस्त साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है, शीघ्र ही सारे सब संकलित करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी से सैयद रेहान मुस्तफा की रिपोर्ट, यूपी तक।